राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही मासूम और भोले भगत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव था, उसमें एक भोला नाम का लड़का रहता था। वह बेचारा अनाथ था, उसके माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। वह गांव के लोगों की गायें चरा कर लाता और उससे जो मेहनताना मिलता उसी से उसका गुजारा होता था। भोला बहुत ही सीधा साधा और मासूम था। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया और उसे रास्ता नहीं मिला और रात होने वाली थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे सो गया। सुबह जब हुई तो उठा तो उसने देखा कि वहीं जंगल में एक तपस्वी का आश्रम था। सुबह सुबह उठकर भोला उसी तपस्वी के आश्रम के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। जब तपस्वी जी सुबह उठकर नदी में स्नान करने के लिए निकले तो अपने द्वार पर भोला को देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए। तब भोला ने कहा, मुनिवर, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भोला की यह बातें सुनकर तपस्वी का मन पसीज गया और उसे भोला पर दया आ गई। तपस्वी ने उसे अपने आश्रम में शरण दे दी और भोला से कहा कि जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो। और तपस्वी स्नान करने पास की नदी में चले गए। भोला बहुत खुश था और वह आश्रम में रहने लगा। धीरे धीरे उसने आश्रम की सेवा करने का सारा कार्यभार संभाल लिया। वह अपनी निश्चल सेवा भाव से तपस्वी का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन तपस्वी को कहीं संत समागम में जाना था। तपस्वी ने भोला को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि देखो भोला, मैं अपने ठाकुर जी का पूजन नित्य प्रति करता हूँ, अब उनकी पूजा मैं जा रहा हूँ समागम में, तो उनकी पूजा कौन करेगा, आश्रम में उन्हें इस योग्य कोई और शिष्य नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैंने बहुत विचार करके तुम्हें ही इसके लिए चुना है। मेरे जाने के बाद तुम ठाकुर जी की पूजा पाठ तो कर ही लोगे। और उन्होंने भोला को ठाकुर जी की पूजा पाठ का सारा काम समझा दिया। उन्होंने भोला को सब प्रकार से पूजन की विधि समझाई और तपस्वी जी संत समागम में चले गए। अगले दिन भोला प्रातःकाल उठा और स्नान आदि से निवृत्त होकर चला ठाकुर जी की पूजा करने। पूजन कक्ष में आज तक तपस्वी के अतिरिक्त कोई और कभी नहीं गया था, पर भोला को तो अब यह सौभाग्य मिल गया था। जैसे ही भोला ने पट खोले तो देखा सामने एक 6 फुट की पीतल की बनी हुई भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी थी। अब भोला की पूजा शुरू हो गई। भोला ने उस पीतल की प्रतिमा को अपने कंधे पर उठाया और ले गया नदी में। नदी में घिस घिस कर स्नान कराया और वापस लाकर भगवान की मूर्ति उसी स्थान पर विराजित कर दी। पर वस्त्र कहाँ से लाए, यह सोचकर भोला ने अपना गमछा मूर्ति पर लपेट दिया। सारी पूजा करने के बाद अब भोग लगाना था। भोला ने अपने हिसाब से भोजन पकाया और ठाकुर जी के सामने रख दिया। भोला तो बहुत ही मासूम था, बेचारा बहुत ही भोला भाला था। उसने तो जितना वह खुद खाता था उसी के अनुसार उसने ठाकुर जी के लिए भी भोजन बनाया। उसने भोजन में 8 रोटियां ठाकुर जी के लिए बनाई, साग बनाया और खीर बनाई थी।
अब ठाकुर जी से हाथ जोड़कर भोला कहने लगा कि ठाकुर जी भोजन कर लो। ठाकुर जी तो मौन थे। भोला ने कम से कम 10-15 बार विनती की, ठाकुर जी भोजन कर लो, ठाकुर जी भोजन कर लो, पर फिर भी वही बात, ठाकुर जी काहे को भोजन करने चले, वह तो मूर्ति थी। इसलिए भोला को तपस्वी की बात याद आई कि मेरे ठाकुर जी भूखे ना रहने पाए, ये ध्यान रखना और अच्छे से भोग लगाना उन्हें। अब भोला और परेशान हो गया, मना मना कर वह ठाकुर जी को थक गया, पर ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि वह तो भगवान की प्रतिमा जो थी। भोला को याद आया कभी कभी गायें चराते समय भोला को ऐसे ही परेशान करती थी गाय, कभी घास चरते चरते इधर उधर भाग जाती, तो भोला जो है अपनी बुद्धि से काम लेता और डंडा मार मार कर सारी गायों को इकट्ठा कर लेता। अब भोला के ज्ञान चक्षु खुल गए, पास में ही धान कूटने का मूसल रखा था। भोला राम जी तो ठहरे भोले भोला कते, उन्होंने मूसल को अपने हाथ में उठा लिया और ठाकुर जी के सामने मूसल पटकते हुए बोले, देखो ठाकुर जी, मेरे हाथ में मूसल है, मेरे गुरु जी कह कर गए हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाना, नहीं तो मैं झूठा हो जाऊंगा अगर आपने भोजन नहीं किया तो, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव को वचन दिया है और कि ठाकुर जी भूखे नहीं रहेंगे, और अगर आप भूखे रह गए तो मेरे वचन का तो कोई मान ही नहीं रहेगा। अब मैं आपसे बहुत मिन्नतें कर चुका हूँ, बहुत मना लिया मैंने तुमसे, आखिरी बार हाथ जोड़कर कहता हूँ, भोजन ठंडा हो रहा है, आकर चुपचाप भोजन कर लो। पर ये तो असंभव था, संभव कैसे हो जाता, कैसे भगवान आकर भोले का भोग लगा जाते। पर भोला तो जिद पर अड़ा था, क्योंकि गुरुदेव जी जो कहकर गए थे कि मेरे ठाकुर जी भूखे ना रहें, तो फिर तो भोले को भोग भगवान को खाना ही पड़ेगा। भोले के सामने बड़ा धर्म संकट था, अगर भोजन नहीं कराता तो एक तो गुरुदेव के समक्ष झूठा बन जाएगा, वहीं दूसरी तरफ भगवान भी भूखे रह जाएंगे। पर ठाकुर जी हैं कि मान ही नहीं रहे थे, सब प्रकार से धमका चुका था वह अब तक भगवान ठाकुर जी को, पर अब भोले की खोपड़ी जो सटक गई। उसने एक आखिरी अवसर फिर दिया और कहा, ठाकुर जी देखो मुझे मजबूर मत करो, चुपचाप भोजन कर लो, वरना जैसे मेरी गायों को सही रास्ते पर मैं ले लाना जानता हूँ, वैसे ही मैं तुमको भी सही रास्ते पर ले आऊँगा। अब बहुत हो चुका है, चुपचाप आकर भोजन कर लो। लेकिन जब भगवान धमकाने के बाद भी नहीं माने, तो भोले ने भगवान को दिया घुमाकर एक मूसल। खन की आवाज काफी देर तक आती रही। वहां बैकुंठ में शेष सैया पर भगवान के दाहिने हाथ में चोट पड़ी, तो भगवान के मुंह से आ निकली, जिसे सुनकर श्री चरणों में बैठी हुई माता लक्ष्मी ने कहा, क्या हुआ स्वामी, आपके श्री मुख से करुण क्रंदन की आवाज सुनाई पड़ी। भगवान बोले, हाँ प्रिय, आज एक भगत मेरी पिटाई कर रहा है, देखो वहां। माता लक्ष्मी ने देखा तो भोला लगा भगवान को घुमा घुमा के मूसल मारने में लगा हुआ था। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप उसके विश्वास और हट को तो देखिए, उसके निश्चल भावों को तो देखिए, आज उसको आपको दर्शन देने जाना पड़ेगा नाथ। भगवान ने कहा, हे प्रिय, मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे खिलाए बिना तो भोला खाना खाएगा ही नहीं। और इतना कहते ही भगवान बैकुंठ से अंतर ध्यान हो गए। यहाँ भोला
मूसल मारते जाता और कहते जाता, खाते हो या नहीं, खाते हो या नहीं। कहते हुए मूसल चलाते चलाते भोला थक गया। थक कर वह गिरने को ही हुआ था, तभी भगवान ने उसे थाम लिया। भगवान के स्पर्श मात्र से ही भोला की सारी थकान दूर हो गई। उसने देखा ठाकुर जी आ चुके हैं, तब जाकर भोला के प्राणों में प्राण आए। भोला ने अपनी चतुराई पर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों ठाकुर जी, पहले ही आ जाते तो इतनी मरम्मत क्यों होती। चलो कोई बात नहीं, दो रोटी ज्यादा खा लेना, जल्दी ठीक हो जाओगे। ठाकुर जी थाली के सामने बैठ गए और भोला से कहा कि अब तुम भी बैठो भोला, हम साथ साथ खाना खाते हैं, आओ बैठो। भोला ने कहा, नहीं भगवन, पहले तुम खा लो, मैं फिर खाऊंगा बाद में, नहीं तो गुरुदेव मुझे फटकार लगा देंगे। ठाकुर जी बोले, अरे हम नहीं बताएंगे गुरु जी को, आ जाओ ना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। भोला ने कहा, अरे नहीं नहीं ठाकुर जी, बड़ी मुश्किल से तो माने हो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ भोजन खाता हूँ, अपनी थाली ले आऊँ। ठाकुर जी बोले, भोला इसी में खाएंगे हम दोनों, तुम मुझे खिलाओ मैं तुम्हें खिलाऊंगा, लो पहला निवाला तुम खाओ। भोला की तो आंखें भर आई और भगवान भी रो पड़े। दोनों ने एक दूसरे को भोजन कराया, तब भगवान बोले, भोला अब मैं जाऊं। भोला ने कहा, हाँ ठीक है ठाकुर जी, आप चले जाओ, अगर गुरुदेव कल भी नहीं लौटे तो पूजा के समय आप आ जाना, मुझे इंतजार मत करवाना। भगवान बोले, भोला हम समय पर आ जाएंगे। भोला कहने लगा, देख लो याद रखना, समय पर आ जाना वरना मूसल वहीं पड़ा हुआ है। भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कहने लगे, तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन हमें खिलाया है, हमें तो आना ही पड़ेगा, हम ऐसे भोजन तो तुम्हारे गुरुदेव ने भी नहीं हमें कराया, हम तुम्हें कुछ उपहार दे तो इनकार तो नहीं करोगे। भोला ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम कल समय पर आ जाना, बस अब जाओ। भगवान मुस्कुराए और यह सुनकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार प्रतिदिन ऐसे ही भोला ठाकुर जी की सेवा करने लगा। आज तपस्वी जो आश्रम में लौट आए थे, स्नान करके सीधे पूजा कक्ष में चले गए और भोला को आवाज़ दी कि भोला ठाकुर जी को भोग लेकर आओ। भोला ने गुरुदेव की आज्ञा पाकर तुरंत भोग लेकर आया। भोग देखकर तपस्वी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सारा भोजन किसके लिए लाए हो तुम। भोला ने कहा, ठाकुर जी के लिए लाए हैं गुरुदेव। तपस्वी ने कहा, भोला तू पागल हो गया है क्या, तुझे बोला था ना तांबे की कटोरी में लाना था, जिसमें रोज मैं भोग लगाता हूँ। भोला ने कहा, अरे वाह गुरुदेव जी, पर जब से आपने मुझे पूजा का भार सौंपा है तब से तो ठाकुर जी इतना ही भोग खाते हैं। अब गुरुदेव चिढ़ गए और गुस्सा भी उन्हें आ गया और वे भोला को डांटते हुए बोले, अच्छा अब तू मुझे सिखाएगा, ले जाकर आज तू ही खिला के दिखा कि ये मूर्ति कैसे इतना भोजन करती है, वे मैं भी तो देखता हूँ ठाकुर जी तेरा इतना सारा भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। भोला ने कहा, गुरुदेव आपसे प्रार्थना है, आप इस कक्ष से बाहर किसी कोने से देखिए ठाकुर जी कैसे भोजन करते हैं। गुरुदेव कक्ष के बाहर आ गए और भोला की पूजा देखने लगे। भोले ने ज्यो ही कहा, आओ ठाकुर जी भोजन तैयार है, त्यों ही ठाकुर जी आ गए और भोजन करने लगे। पर तपस्वी को तो केवल इतना ही दिखा कि भोजन थाली से धीरे धीरे कम होता जा रहा था और तब तपस्वी को
आभास हो गया और उन्होंने जोर से चिल्लाया, भोला मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करा दो ना। अपने आश्रय दाता की करुण पुकार से भोला व्यथित हो गया और ठाकुर जी से हाथ जोड़कर विनती की कि उसी पल तपस्वी को भी साक्षात दर्शन दे। भोला की बात भगवान कैसे टाल सकते थे, उन्होंने उसी पल तपस्वी को भी साक्षात दर्शन करा दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, आपकी धन संपत्ति या 56 भोगों के नहीं। और ऐसा नहीं कि मूसल मारने से वो प्रकट हो जाते हैं, जब निश्चल भाव से उन्हें पुकारा जाए तब वो जरूर आते हैं। तपस्वी तप में लीन जरूर थे, पर उनके भावों में वह भावना नहीं थी जो मंद बुद्धि भोले भाले भोला में थी, जो प्रभु को नजर आई। सहस्त्रों जपी तपी साधु सन्यासी परमेश्वर के तप में हजारों वर्ष लीन रहते हैं ब्रह्म की तपस प्राप्ति के लिए, वही ब्रह्म निर्मल निश्चल भाव से सहज ही दर्शन दे जाते हैं। तभी तो कहा गया है भगवान तो भावना के भूखे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।